सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोग कौन कौन ऐसे माताएं बैठे हैं जो श्रृंगार करते हैं? देखिए, श्रृंगार भी तीन प्रकार के होते हैं। एक है सादगी, सादगी ये भी एक वही समझो आप, और दूसरा है श्रृंगार और तीसरा है फैशन। सब माताएं श्रृंगार करती हैं। अच्छा, मैं बताऊं कौन से कंपनी यूज करना चाहिए? हाँ बता दूं, ध्यान से सुनना, हो सके तो बहुत ब्रांडेड चीज ही यूज करना चाहिए, स्किन के लिए सही है। अच्छा आप बताइए कौन सी कंपनी यूज करते हो? हाँ शर्म आ रहा है क्या? मेकअप की बात हो रहा है, श्रृंगार जो माताएं करती हैं। बताओ, हाँ सुन लो, अपने चेहरा पे अगर कुछ श्रृंगार करना चाहोगे तो ये छोटे मोटे फेयर एंड लवली मत लगाना, ये सब खराब क्रीम है, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा उच्च स्तर के मेकअप यूज किया करो। अब होठ में क्या लगाना, होठ के लिए सबसे बढ़िया सुंदर लिपस्टिक का नाम है सत्य। होठ में कुछ रखना है तो सत्य, सत्य को धारण करिए, आपके हर बाणी में सत्यता हो। और आवाज में श्रृंगार करना चाहते हो, आवाज में इस तरह सजाइए आवाज को, आवाज को प्रार्थना बनाइए। और आंखों के लिए सुंदर काजल क्या है? आंखों के लिए दया, किसी को देख करके दया आ जाए, मतलब जो गरीब है जिसका कोई सहारा नहीं है उसके प्रति दया भाव होना चाहिए। आंखों में अगर दया धारण किया ना, फिर कोई कंपनी का काजल काम नहीं आएगा। और हाथ के लिए सुंदर नेल पॉलिश, नाखूनों के लिए सुंदर चूड़ियां पहनते हैं, दान रूपी श्रृंगार हाथ में धारण करें। और हृदय के लिए प्रेम धारण करें। और चेहरा में आपको लगे कि मेरा चेहरा सबसे ज्यादा चमकना चाहिए, सबसे सुंदर दिखूं, तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। चेहरा के लिए मुस्कान, और अगर बड़ा बनना हो तो माफ करना सीखो। अगर इतने चीज आपने श्रृंगार में उपयोग किया तो आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं होगा। बोल दीजिए ना।